नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। वर्षों बाद नाथनगर स्थित जैन मंदिर रोड का हुआ शिलान्यास, जल जमाव की समस्या से लोगों को मिलेगी निजात। मौलाना चक में कभी भी हो सकती है गैंग वॉर की घटना, जमीन कारोबारी ने पार्षद पति पर लगाया साजिश रचने का आरोप। भागामरपुर मुख्य मार्ग पर भीषण हादसा, बाइक सवार की मौके पर हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। विधानसभा चुनाव को लेकर डीआरडीए परिसर से निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और जिले में लगातार जारी है कोरोना का कहर, 96 नए संक्रमित मिलने के बाद आंकड़ा पहुंचा 6000 के पार। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर के नाथनगर स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर और जैन धर्म के 12वें तीर्थकर भगवान वासुपूज्य की जन्मस्थली पिछले 4 वर्षों से सड़क और नाले के अभाव में अपना अस्तित्व खो रही है और विश्व के विभिन्न प्रांतों से पहुंचने वाले जैन धर्मावलंबी नाथनगर कबीरपुर पहुंचकर वापस लौट जा रहे थे। सड़क एवं नाला निर्माण के लिए आंदोलन से लेकर प्रदर्शन तक हुए और कई बार टेंडर होने के बाद भी काम शुरू नहीं हो पाया। आखिरकार मंगलवार को राज्य योजना मद द्वारा 2,20,77,000 रुपए की लागत से सड़क एवं नाला निर्माण का शिलान्यास किया गया। सड़क और नाले की शिलान्यास के बाद जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक सभी जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा होने की बात कह रहे हैं। मौके पर मेयर सीमा शाह, नगर विधायक अजीत शर्मा, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा, नगर आयुक्त जय प्रियदर्शनी, उप नगर आयुक्त सत्येंद्र प्रसाद वर्मा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। टेंडर 5-6 बार हुआ, लेकिन किसी न किसी कारणवश वेस्टेड इंटरेस्ट हो या कभी सिंगल टेंडर हो गया तो वो टेंडर फाइनल नहीं हुआ और काम शुरू नहीं हुआ। इसमें निगम की बहुत लापरवाही रही है। निगम में तो आप जानते हैं कि 2015 में स्मार्ट सिटी का घोषणा हुआ, उसके बाद आज 5 वर्षों से धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पूरे भागलपुर की जनता जानती है कि वहाँ हो क्या रहा है, सिर्फ लूट मचा हुआ है। आपको बता दें, आज 2,20,77,500 रुपये का राशि का आज शिलान्यास हुआ। भागलपुर मोजायदपुर थाना क्षेत्र के मौलाना चक बड़ी महल के समीप पिछले दिनों अपराधियों ने जमीन कारोबारी इमरान उर्फ कल्लू पर जानलेवा हमला कर दिया था। गोलीबारी की घटना में इमरान को गर्दन और कमर में गोली लगी थी। वहीं इमरान ने वार्ड नंबर 39 के पार्षद पति मोहम्मद साबिर, रहमत कुरैशी, आफ्ताब, सद्दाम और पाशा पर कातिलाना हमला करने का आरोप लगाते हुए थाना में मामला दर्ज कराया था। इधर कल्लू ने वीडियो जारी कर चौंकाने वाली बात का खुलासा कर दिया है। कल्लू ने जारी वीडियो में पार्षद पति मोहम्मद साबिर पर 21 अगस्त की रात घटित घटना की साजिश रचने का आरोप लगाया है। कल्लू ने कहा कि करीब 30 वर्ष पूर्व साबिर ने ही उसके पिता की हत्या कर दी थी। वहीं मोहम्मद साबिर ने इमरान उर्फ कल्लू के बयान को गलत और बेबुनियाद बताया। साथ ही कहा कि सद्दाम की जमीन पर कल्लू कब्जा जमाना चाहता है, इसीलिए उसने FIR में सद्दाम का नाम डाला है। वहीं पुलिस नामजद आरोपियों में से किसी को भी अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। मोजायदपुर थाना प्रभारी प्रमोद शाह ने बताया कि मामले में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पार्षद चाह रहा है अपने बचाव के लिए हमारे लोगों को बदनाम करना चाह रहा, अध्यक्षता की माहौल बनाना चाह रहा और अपनी सफाई बयान देना चाह रहा हर चीज़ में कि हम गलत नहीं हैं। आज से 35 साल मेरे बाप को ने मारा ही, हम लोग 2 साल के थे, मेरे पिताजी को मैंने मार दिया। हम लोग पिताजी का साबिर ने मारा, साबिर ने हमारे बाप को 35 साल पहले ही मारा। इमरान गलत आदमी को डेली 30-40 आदमी को बैठाता है और हम सारे गलत को सुधारने का काम करते हैं। उसका प्रमाण है शहजादा उर्फ बिल्ला, जो अब किसी केस में उसका नाम नहीं आ रहा है, उसको सुधारने वाले हम हैं। नाड़ा, जिसको सुधारने वाले हम हैं, आज भी DSP साहब के यहाँ उसका हाजिरी होता है। रहमत और छोटू को भी एक एक मौका थाना से दिलवाए हैं। लेकिन बागामरपुर मुख्य मार्ग इंग्लिश मोड़ के समीप सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान मकदुम्मा बाजार निवासी 35 वर्षीय कैलाश शाह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सोमवार की रात कैलाश मकदुम्मा से ससुराल मधाई जा रहा था। इसी दौरान कुंडा पुल के समीप एक सांड के अचानक सड़क पर आ जाने से बाइक असंतुलित हो गई और सांड को ठोकर मारते हुए पलट गई। दुर्घटना में युवक के शरीर में गंभीर चोटें आई, जिसके बाद घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी अमरपुर पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया।
बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारी को लेकर भागलपुर डीआरडीए परिसर से मंगलवार को मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी प्रणव कुमार, डीडीसी सुनील कुमार एवं आईसीडीएस की डीपीओ अर्चना कुमारी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला प्रशासन के नेतृत्व में आईसीडीएस द्वारा निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली में कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन किया गया। इस दौरान कर्मियों ने मतदाता जागरूकता को लेकर नारे लगाते हुए आम लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया और मतदान के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करने की अपील की। मौके पर जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी, CDPO पर्यवेक्षिका और आंगनबाड़ी कर्मी मौजूद थे। विधानसभा के आम चुनाव होने वाले और इस चुनाव को लेकर के मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिदिन हर एक क्षेत्र में विशिष्ट रूप से रैलियां निकाली जा रही है। आज के जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। जिले में कोरोना का कहर लगातार जारी है। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों के नंबर में इजाफा होता जा रहा है। मंगलवार को आई ताजा रिपोर्ट की यदि बात करें तो जिले में 96 नए कोरोना संक्रमितों के मिलने की पुष्टि हुई है, जबकि पड़ोसी जिला बांका से 12, मुंगेर से 20, पूर्णिया से 129 एवं राजधानी पटना से 208 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं मंगलवार को राज्य में मिलने वाले कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1667 है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बावजूद जनता ना तो भीड़ लगाने से कतरा रही है और ना ही मास्क लगाने से। बता दें कि कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या जिलेवासियों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बात 1950 1950, चाहे शिकायत या सुझाव 1950 1950, चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 1950। मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बूथ के जानकारी, वोटर कार्ड कैसे बनी, ऐसा सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर। ये चुनाव बस एगो नंबर याद रखी, भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता। 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में EEG, ECT एवं MBT के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे AC, non-AC, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क घंटाघर के उत्तर मोक्षदा स्कूल के समीप मशाकचक भागलपुर बिहार। लाइफलाइन CT स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। डॉक्टर शशिकर MD
रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी MRI स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा, डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच, डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG, अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने PG हॉस्टल में अवैध रूप से कमरा कब्जा किए छात्रों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। छात्र कल्याण अध्यक्ष द्वारा कब्जा किए गए कमरों को खाली कराया जाएगा। कमरा खाली नहीं करने वाले छात्रों पर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से FIR भी दर्ज की जाएगी। DSW ने बताया कि कब्जा वाले जमीन में तालाबंदी कर दिया गया है, साथ ही जबरन कब्जा किए जाने को लेकर हॉस्टल इंचार्ज को कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि 15 दिनों के अंदर कब्जा जमाए छात्रों की ओर से विश्वविद्यालय प्रशासन को संपर्क नहीं किया गया तो कमरे का ताला तोड़ दिया जाएगा। और अवधि पूरी हो गई है और वो अपने कमरे में को खाली नहीं कर रहे हैं, ताला लगाए हुए हैं और कभी किसी समय आके दरवान ने बताया कि किसी समय आके वो ठहर जाते हैं तो गेस्ट हाउस की तरह यूज़ कर रहे हैं। हम नए छात्रों को जो है कमरा आवंटित नहीं कर पा रहे हैं तो फिलहाल हम लोगों ने विश्वविद्यालय का अपना एक ताला उस कमरे में लगाया गया है और निर्देश दिया गया है दरवानों को भी कि उस छात्र जो भी आएँ उसको विश्वविद्यालय प्रशासन से संपर्क करने के लिए कहें और तभी वो चाबी से खोलें। यदि वो 15 दिनों तक विश्वविद्यालय से संपर्क कोई छात्र नहीं करते हैं जिसमें ताला लगाया गया है तो ऐसी स्थिति में एक कमेटी का निर्माण करने की अनुशंसा की गई है माननीय कुलपति महोदय से कि उस कमेटी की देख रेख में उन दोनों तालों को तोड़ा जाए और जो सामान जो विभिन्न कमरों में है उसको एक कमरे में लिस्टिंग करके गणना करके छात्र का नाम लिख के और सामान एक कमरे में रख दिया जाए। भागलपुर पीरपैंती प्रखंड मुख्यालय में बनाए गए आधार काउंटर पर आवेदकों की काफी भीड़ उमड़ रही है। आधार कार्ड जहां अब लोगों की जरूरत बन गई है वहीं सेंटर पर एकमात्र काउंटर होने के कारण ऑपरेटर के साथ लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना महामारी के बावजूद हर सेंटर पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन करते दिखे, जबकि घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी लोगों को रोजाना बिना काम हुए ही वापस लौटना पड़ता है। खासकर महिलाओं एवं बुजुर्गों को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की माने तो इस समस्या की जानकारी वरीय अधिकारियों को दी जा चुकी है लेकिन इसके बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं हो सका है। आधार कार्ड सुधारने का है हमको, 4-5 दिन से आ रहे हैं यहाँ, कोई कुछ काम ही नहीं होता। आता है आदमी फॉर्म ले लेता है, 2 बजे घुमा देता है, कहता है हो गया 40 आदमी का काम। यहाँ आधार कार्ड बनवाने के लिए आए हैं। कब आए हैं? आ जाए 8 बजे। क्या हुआ है? अभी तक मिल ही नहीं रहा, हम लोग बन ही नहीं रहा आधार कार्ड। यहाँ बोल रहा 40 का ऑर्डर है, उसके बाद ले ही नहीं रहा, उसके बाद बंद कर रहा। परेशानी यही है जो कि आदमी बहुत ज्यादा भीड़ हो रहा है यहाँ पे। फॉर्म हम 35-40 से फॉर्म लेते हैं, ठीक है,
तो आदमी जो है बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, फॉर्म लेने ही नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जीवन हरियाली योजना को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी से सीएम ने पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण से संबंधित कार्य में प्रगति की जानकारी ली। भागलपुर समीक्षा भवन में प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी और जिलाधिकारी प्रणब कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक में शामिल हुए। इस दौरान जल जीवन हरियाली योजना के तहत चापाकल, सोखता, चेकडैम समेत सभी प्रकार के जल स्रोतों का सृजन करने के साथ सरकार द्वारा तय किए गए लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश सीएम ने अधिकारियों को दिया। साथ ही जल जीवन हरियाली अभियान से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए सूचना प्रबंधन प्रणाली एवं आम नागरिकों को अभियान से संबंधित सुझाव, शिकायत एवं जानकारी के उद्देश्य से ऐप का शुभारंभ भी किया गया। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मंगलवार को भागलपुर पूर्वी रेलवे कर्मचारी संघ की ओर से सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया। पूर्वी रेलवे के सभी शाखाओं, मंडल एवं जोन कार्यालय के समक्ष संघर्ष दिवस के रूप में प्रदर्शन करते हुए रेलवे कर्मचारियों ने प्रशासनिक भवन समेत पूरे स्टेशन परिसर का भ्रमण किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मंडल उपाध्यक्ष चित्रंजन पांडे ने केंद्र सरकार पर मजदूर एवं कर्मचारी विरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि देश की जनता ने सरकार के हर कार्यों में सहयोग किया, लेकिन सरकार उनके साथ धोखा कर रही है। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार रेलवे के निजीकरण, नई पेंशन नीति और मजदूर विरोधी नीति पर रोक लगाए, नहीं तो संघ की ओर से व्यापक स्तर पर आंदोलन तेज किया जाएगा। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय के प्रांगण में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिलाध्यक्ष सुशील कुमार सिंह के नेतृत्व में शिक्षा सुधार सप्ताह के तहत कार्यक्रम का आयोजन कर कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान सुशील कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षा की मूल उद्देश्य को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाप्त कर दिया है। राज्य में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। वहीं जिला प्रवक्ता विनय दर्शन ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर लोक समता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव एवं घर-घर जाकर लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का काम करेंगे। मौके पर गुफरान अली, ललन सिंह, जयनंदन सिंह कुशवाहा, बादल कुमार सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बैनर के तले शिक्षा सुधार बटन दबाने का पहला अधिकार मांग को लेकर के पूरे प्रदेश में हमारी पार्टी हर एक प्रखंड स्तर पे, हर एक गांव स्तर पे हम लोग शिक्षा को जागरूक करने के लिए गरीब गुड़बे सबसे समाज के निचले व्यक्ति को हम लोग शिक्षित होने के लिए आह्वान करते हैं। जनता दल यूनाइटेड की ओर से कला संस्कृति प्रकोष्ठ के बैनर तले मंगलवार को पल्लवी फिल्म्स प्रोडक्शन के आदमपुर स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष अमरजीत कुमार को जदयू कला संस्कृति प्रकोष्ठ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने पौधा भेंट कर बधाई दी। वहीं जिलाध्यक्ष अमरजीत कुमार ने कहा कि जदयू ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे वह अपनी कला के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संगठन को मजबूती प्रदान करने का भरपूर प्रयास करेंगे। जिलाध्यक्ष ने दावा किया कि बिहार की जनता इस बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही अपना नेता चुनेगी। इस दौरान कला संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अभिषेक तुषार, प्रदेश महासचिव विभाष मोदी, युवराज सिंह, मिथुन कुमार समेत जदयू ग्रामीण प्रकोष्ठ के कई सदस्य मौजूद थे। जो भी है हमारा, हमें जो पद दिया गया है, जो हमें भार दिया गया है, मैं चाहता हूँ कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो या संगीत के माध्यम से हो, जदयू का जो भी हो, हम उसे सरकार के साथ रहें और सरकार का जो है आने वाला चुनाव जो है उसमें हम सहयोग कर सकें। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वर्षों बाद नाथनगर स्थित जैन मंदिर रोड का हुआ शिलान्यास, जल जमाव की समस्या से लोगों को मिलेगी निजात। मौलाना चक में कभी भी हो सकती है गैंग वॉर की घटना, जमीन कारोबारी ने पार्षद पति पर लगाया साजिश रचने का आरोप। भागामरपुर मुख्य मार्ग पर भीषण हादसा, बाइक सवार की मौके पर हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। विधानसभा चुनाव को लेकर डीआरडीए परिसर से निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और जिले में लगातार जारी है कोरोना का कहर, 96 नए संक्रमित मिलने के बाद आंकड़ा पहुंचा 6000 के पार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।